अल्लाह नबी दी शान है, अल्लाह नबी दी शान है। इथे आए गौस पाक दे मेहमान, गौस पाक दे मेहमान ने सक मुइयदीन दी शान है ते सान वाली बचान नहीं इंज नहीं गल जबानी गल मैं सुनाना पाया मेरी गल हो सकता पर पीर साहब ने आख्या मैं मेरी गल बताओ ना अल्लाह के घर खड़ोता मैं यकीन करो किसी के कहते या किसी की खुशामद वास्ते नहीं मैं साबित करके देना वाकया जरा मेरे अंदर आया मैं वाकया साबित करके दसना कि वाकया होया एक से कब्रिस्तान का ऐलान हो गया दूसरा इस मीनार के वास्ते मस्जिद वास्ते ऐलान हो गया वो जरा 1,23,000 बना के दिता जाएगा जो इसका अपना इम्तियाज दिता जाएगा इम्तियाज इस बैंक का अकाउंट खोलिया उसे जमा करा के रकम अफोज है मस्जिद अगर किसी भरा ने होर टाउन करना हो तो इम्तियाज दे सकता मैं दे सकता पीर साहब दे सकता वो दे सकता दो ऐलान हो गए तीसरा नाम मैं इन्हें नाम नहीं सुने ऐलान सुन के मेरा अपना दिल इतना खुश होया मैं 70 साल मेरी उम्र होती भी मैं नहीं ऐलान सुने मोहम्मद यूनस वर्ल्ड आजी पत्रकार मेरे पिंड को मेरे दोस्त भी ने बचपन को मेरा भरा भी है रीत भी है अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी देवे उन्होंने मेरे ना डिस्कस हुई तो कह रहे हैं कि दुनिया के साढ़े बड़े से चले गए थे एक दिन आई साहब असम टूट जाना मैं कह यूनिवर्सिटी अब कल सही है कहते रहे कि जेकर असं चले जाना तो काम क्यों ना करके जाइए वो जी की काम है सानवा तू 6 बीघे जमीन लो 6 बीघा मैं पैसे दे बड़ी बड़ी सोच है ये कब्रस्तान कुछ दिनों बाद साढ़े मरने के बाद कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा बंद हो जाएगा लोग फिर घर जा अपने अपने जिसे दो दो मरले जमीन है तुम्हारी तुम उ दफन करोगे तो बेहतर है कि 6 बीघा जमीन लगती भी कब्रिस्तान जो दे दे तो वो पैसे लवे अपना रेट लवे तो 6 बीघे जमीन जी डोनेट करनी है कब्रिस्तान वास्ते मैं तो एडा कुछ बंदे का हौसला नहीं देखा कि जिस बंदे ने आख्या मैं 1 बीघा जमीन भी देना लेकिन इसे पिंड की मिट्टी किसे पिंड की मिट्टी का अल्लाह पाक ओदे जिधर लुआए की जिदों कारण फौत हो गए ने अल्लाह पाक उन्होंने अजर नसीब होवे क्योंकि उन्हें ऐलान कर दिता मैं वादा किया सी उन्होंने नाल कि मैं मस्जिद फिर हो के जुमे दिन बाद जनाब पहले ऐलान करांगा तुहाडा तुहानू पता लग जाएगा वो कहने मेरा ऐलान ना करना मैं कहा जे ऐलान ना करांगे तो आने नस्ल तक पता लगेगा नाले दूसरे बजे किस तरह पता लगेगा कि बोलो जी जमीन लैन लगे ने कौन लैन लगे किसान लैन लगे कितों का बंदा असं उन्होंने वास्ते ऐलान करने कि अल्लाह पाक उन्होंने और तुम जमीन दियो ना दियो मैं गुआ और तुम भी गुआओ तुहाडे कान मेरी आवाज जा रही है तुम भी गुआओ कि उस बंदे ने ऐलान कर दिता है कह दिता कि मैं 6 बीघे जमीन के पैसे दे जी जमीन गौरमेंट खोल रही है तुहाडे कोल उहदे देने जो उस पैसे देने असीं जाणी आ गौरमेंट जाणी और कोई जमीन लैके असीं कब्रिस्तान मुक्त कर जनाब कारी साहब ने रिक्वेस्ट करांगा जिस वक्त नमाज पढ़ने बाद उन्हें वास्ते खसूसी दुआ उन्होंने वालदैन वास्ते खसूसी दुआ कर जिन्हां दा इतना हौसला जिन्होंने कहा भाई जी कोई गल नहीं एक मकान बेच के तो पैसा दे देंगे सारे अलहमदुल्ला इस तरह कोई बंदा नहीं काम करता असं नहीं सुने ये गल कर लेकिन असं गुआ वा असं जमाना दें इस गल की जो बंदा जमीन देगा अस पैसे
एक दसी जी किला छोटा जहा वाक ना लिया मैं बारहवें महीने त्री तरीक शाम मैं शादी मेरे दिलदार के लोगों में आया अदर साहब उन्होंने सलाम की बैठे बैठे मुक्तसर कर जुमे का टाइम है सर मुक्तसर मुकाना अदर साहब उन्होंने फरमाया कि भाई साहब मैं ना असी जा रहे हैं लाहौर घर क्योंकि थकावट हो गई बड़ी पूरा दो हफ्ते हो गए तीन हफ्ते बड़े अपना थक गए चल चल के साढ़े दिल जाके रश कर अदर साहब कब जाओगे जी कल तीन बजे दस बजे लेकिन जाने तो पहले भाई साहब तुहाडा का मेहमान खाना बनाया उस मेहमान खाने नजर मार के वेख के दुआ करके जाओ मेरे दिल बड़ी खुशी हुई मैं कहा जी बहुत मेहरबानी मैं घर चला गया मैं नहीं आख्या दस सवा दस दू के कुल्ला पै रही सर सुबह का टाइम लोग सुते लेकिन मैं अफसर साहब ने नहीं आख्या कि तुम जाओ साढ़े दस आओ जो सवा दस आओ मैं कहा जी ठीक है मेरे जो बंदे नजर आए ना मैं उन्होंने फोन किया सवेरे किसी को अगर मुड़े भजा गया मछाई लैके आ किसी को आख्या कोई फराने से लै गया किसी को फराने से अंडे लै आया उसे ना असं बंदे मेरे भरा भी बंदे से हो मैं क्या फीर फकीर मेरे घर आए तो मैं कला ही आखा जनाब सलाम अलैकुम इंज हो नहीं सकता मजा नहीं फीर फकीर आए तो उन्होंने रिसेप्शन वास्ते उन्होंने मन आए अगे खोलते होने अलहमदुल्ला अस भी बंदे हो गए अगर सर उन्होंने फरमाया कि जनाब नाश्ता करो कि चाह पियो कंपनी की कहवा पिए तो कहवे के नाम मैं सारे दुआ मंगा के असं भी बंदे बह करते कारी साहब उसे जनाब तलावत कराई अगर साहब ने आखिर घर तलावत करो दुआ किसी दुआ करके निकल लिया तो मैं थले नीवा हो के गोडे हाथ ला के सलाम किया जरा गौर ना सुनना सलाम किया तो अगर साहब ने फरमाया कि आई साहब थोड़ा करेक्ट टाइम की लाहौर आने का मैं आख्या अगर साहब मैं परसों सात तो आठ बजे तक लाहौर पहुंचा अच्छा जी अगू सुबह चार बजे मैं एयरपोर्ट पर अगर साहब मान लिया एक याद रखियो जान लगे दुआ कराने जाइए मैं कहा जी ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह खैर हो मेरे अंदर ढुल गया बढ़ गया छोटा भरा आके मेरे नाल खाना खाने गए शाम को उधरों मेरे जीरो का होर एक रिश्तेदारी वो आखने शाम का खाना 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 चाहिए जेड़े अपने घर जाने उसने बजे अपना खाना वो जो अफसर साहब ने आख्या मैं चौथे साल अफसर साहब उन्होंने मैं सुनया ना तो मैं उन्होंने आख्या मैं रोटी नहीं थोड़े ना खावगा मैं सच्चा आप पीवा मैं खाना छाना नहीं खाना जे मैं खाना खान बह गया तो फिर तो अफसर साहब मैं लेट हो जाता मैं अठ बजे उत्थे पहुंचा कि ड्राइवर का इंतजार करता सर मैं नाल लै के अफसर साहब ने टेलीफोन कराया वो बंदा जानता सी फौरी तौर पर उत्थे गया अफसर साहब मिले जरा अफसर साहब उन्होंने अगे जनाब खान पीन का रखा से मैं सब संत नहीं आखने नहीं लंगर नहीं खाओ साढ़े संत खाना पिया खाला खा के जनाब के दुआ शुआ करा के तुरन लगा तो अगर साहब उन्होंने फिर नीवे हो गए तो गोडे हाथ ला के सलाम कर रहा तो मेरी गल हाथ रख के कहते नहीं कि आई साहब थोड़ा सफर तरीके का गुजरेगा मैं फिर शब्द च पै गया अगे गया तो मेरी अल्लाह पाक ने मेरे मतलब ओझा कर मैं किस प्रोटोकॉल लाई से मेरे मेरा फंड लै गया समान समान मेरा बोरी गार्ड बना के सिर और बंदा जो एक होर आया मोटर तो कहता है आई साहब जा रहे मैं कहा जी यार बंदा जो जा रहा भी थोड़े घर में जाना तक मैं कर और मैं कहा निको नहीं जा रहा यार आई साहब साढ़े जा रहे चाह शाह पानी पानी शानी चाहिए उन्हें आम जा कह जहाज तो तकरीबन के अफगानिस्तान क्रॉस कर गया तो बंदा मेरे को आया हाँ जी साहब तू चाह शाह पीनी है ठीक बैठे हो मैं जी बिल्कुल ठीक बैठे गौर करना गल का अगली का वो कहता जी लाहौर तो रह किसे रहने जो लाहौर मैं जी मैं लाहौर नहीं रहा मैं सानवार रहना ना सॉरी गुजरात रहना मतलब गुजरात के नहीं जगह मैं कह जी सानवार अल्लाह सान वाले एक शरीफ सान एक सान वाले शरीफ है वो सान बैठे वो ही हो वो सान वाले शरीफ अच्छा
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਹਰ ਫਾਜ਼ਲੀਆ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਦੇ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਮਦੀਨ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਜਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸੇਕਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇ ਰਿਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਚਲੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਖਾਲਾ ਮੇ ਰੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਲਾਓ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਲਾਓ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦ 17 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤਰੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਖਾਦਾ 15 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਈ ਕਮ ਦਾ ਸਲਾਮ ਪੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਖਾਨ ਉਹ ਗਜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਮੁਸਬਾਰ ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ 12,000 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰੁਕਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਪੈਨਸਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ 12,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬਵਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਕਦੀਰ ਰਾਮ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਕ ਲਈਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੀ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਦੀਬ ਨੇ ਔਰ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੋ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਔਰ ਯਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਕੇ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਭੁਲਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਦੁਆ ਲਓ ਇਹ ਦੁਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇ ਜਾਣਾ ਲਓ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਰੰਦਾ ਹੁਕਮਦਾਰ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ